हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मोनिका। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूं लंदन पास के बारे में। अगर आपने मेरी लंदन टूर की सीरीज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें लगभग सभी वीडियो में लंदन पास की बात की है, और ये भी बताया है कि लंदन पास से हमारा टूर जो है बजट में हो गया था। कैसे ये लंदन पास काम करता है, क्या है लंदन पास और क्या क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। लंदन पास हमें काफ़ी पसंद आया, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसने हमारा जो लंदन टूर है वो काफ़ी बजट में किया है, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकें, इसी कारण आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक करें, नहीं पसंद आया करें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगता है आपको, क्या बुरा लगा इस वीडियो में, सब कुछ कमेंट करके आप बता सकते हैं। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लंदन पास होता क्या है। लंदन पास एक प्रकार का प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड है, जिस तरह से हमारे मेट्रो कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसी तरह से ये भी लंदन पास भी एक प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड है। इस कार्ड को लंदन टूरिज्म ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिस्ट के लिए। इसका उपयोग हम लंदन के टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए करते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एड्रेस, अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो। लंदन पास को आप एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, पाँच दिन के लिए, छः दिन के लिए, दस दिन के लिए भी बुक करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लंदन कितने दिन रुक रहे हैं, कितने दिन आपको अट्रैक्शन देखना है, ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं कि लंदन पास के चार्जेस क्या हैं एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए। अगर आप लंदन पास को एक दिन के लिए, एक पर्सन के लिए बुक करते हैं तो वो 71 पाउंड का आपको पड़ेगा, और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो 5 साल से 15-16 साल तक के बच्चों के लिए ये 45 पाउंड का पड़ेगा पर डे के हिसाब से। यहाँ हमने तीन लोगों की बुकिंग की है, दो एडल्ट और एक चाइल्ड। ये बुकिंग हमने एक ही दिन के लिए की है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि लंदन पास कौन कौन से अट्रैक्शन कवर करता है। लंदन पास 80 से भी ज़्यादा अट्रैक्शन कवर करता है जिनको हम फ्री में विजिट कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। आप जब इसकी साइट पर जाकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे सारे अट्रैक्शन के नेम, एड्रेस एंड प्राइस। कैसे हमारा टूर लंदन पास के थ्रू बजट में होगा, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने एक दिन के लिए लंदन पास बुक किया जिसकी कीमत है 71 पाउंड के करीब, और मान लीजिए मैंने एक ही दिन में ये चार चीज़ें कवर की, वो भी लंदन पास के थ्रू, तो इसकी टोटल कॉस्ट होती है 110 पाउंड। तो आप समझ सकते हैं मुझे 40 पाउंड का फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप अलग अलग अगर इनको करेंगे अट्रैक्शन को तो आप देख सकते हैं इनके प्राइस स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में कितने अट्रैक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लंदन पास केवल एक दिन के लिए लिया था जिसमें हमने 6 से 7 अट्रैक्शन कवर किए थे, और दूसरे दिन हमने फ्री अट्रैक्शन जिनके कोई चार्जेस नहीं है उनको देखा था। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ अट्रैक्शन के लिए आपको टाइम स्लॉट बुक करना होता है, जैसे कि शार्ट बिल्डिंग के लिए, स्टेडियम के लिए, ऑर्बिट के लिए। अगर आपने वो टाइम स्लॉट बुक नहीं किया है तो आप लंदन पास होने के बाद भी वो अट्रैक्शन नहीं देख पाएंगे। लंदन पास पैसा तो बचाता ही है, साथ ही में आपका समय भी बचाता है। अगर आपके पास लंदन पास होता है तो आपको किसी भी अट्रैक्शन के अंदर जाने के लिए आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। आपको सिर्फ एंट्री गेट पर लंदन पास को स्कैन कराना होता है और आप किसी भी अट्रैक्शन को अंदर से अच्छे से देख सकते हैं, और आप लंदन पास से एक ही जगह पर, एक ही अट्रैक्शन पर कई बार एंट्री कर सकते हैं। आप कई बार बाहर आ सकते हैं, कई बार अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास लंदन पास नहीं होगा तो आपको टिकट खरीदने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन में
खड़ा होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। लंदन पास जो है होफेनो बस और उबर बोट को भी कवर करता है, जिससे आपको किसी भी साइट सीन तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। तो देखा आपने किस तरह से लंदन पास हमारे पैसे और समय दोनों को बचाता है, और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने की। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि जो भी लंदन आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।